हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज तो अच्छा मौसम था, धूप सूप निकली थी, अच्छा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब आज उतनी ठंड नहीं लग रही है, इसलिए आज छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। क्या करूँ, सर्दी इतनी ज़्यादा रहती थी तो बाहर जाके कहीं ब्लॉग नहीं बना पाते। तो आज मैं कहीं बाहर तो नहीं जा रही हूँ गाइस, लेकिन मैं हूँ रूम पे ही हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आज कि मैं आज क्या बना रही हूँ। मेरे बाबू बहुत दिनों से कह रहे थे, मम्मी बनाओ ना बनाओ, डेली दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज धूप निकली और सर्दी भी कम है और सामान भी आ गया था, तो चलो मैं आज बना ही देती हूँ इनके लिए। तो अभी स्कूल से बुला के लेके आई हूँ इनको, तो अब भाई मैं बनाऊंगी उनके लिए, ठीक है ना? तो आप लोग बने रहिएगा हमारी पूरी वीडियो पर, देखिएगा ज़रूर। और छोटे वाले बाबू सो रहे हैं, देखिए, और बड़े वाले तो मोबाइल बैठे चला ही रहे हैं, अभी स्कूल से आए हैं। तो बाबू भी हमारे सो गए हैं। तो गाइस, आप लोग बने रहिएगा, मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या किचन में बनाने वाली हूँ। तो क्या हो रहा है, चलते हैं दिखाते हैं आप। तो गाइस देखिए, मैं ये सीरा बना रही हूँ जिसको चाशनी भी बोलते हैं। तो ये देखिए गुड़ की है ये, तो बना रही हूँ मैं, गुड़ का सीरा बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए बन रहा है ना, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो पे मेरे कंटिन्यू इसी तरीके से कि मैं क्या बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा और तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ, है ना? तो देखिए गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने दूसरी कढ़ाई भी रख दी है, मैंने दूसरी कढ़ाई रखी है, ये देखिए। और कढ़ाई में है घी, घी डाला है कढ़ाई में। तो अब मैं दूसरी वाली कढ़ाई में क्या करने के लिए जा रही हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, दूसरी वाली कढ़ाई में मैं डालने जा रही हूँ ये, आप लोग देखिए क्या है, ये देख पा रहे हैं, ये है गाइस सूजी, रवा जिसको बोलते हैं गांव में, रवा बोलते हैं, तो मैं तो इसको सूजी बोलती हूँ। तो ये सूजी है, तो मैं सूजी को भूनने के लिए कढ़ाई में जा रही हूँ। गैस कम कर दिया मैंने, तो आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू देखिएगा हमारी ब्लॉग को, ठीक है? अभी दिखाते हैं भूज के इसको। तो ये देखिए मैं सूजी को भूज रही हूँ। अब ये सारी सूजी पूरी को भूंज लेती, इसमें मैंने घी डाला था, तो घी डाल के मैं इसको भूंज रही हूँ। तब तक ये हमारी चाशनी मतलब सीरा बन के रेडी हो रहा है, तब तक मैं ये सूजी को भूंज लेती हूँ। तो बने रहिए अगर कंटिन्यू तुम देखिएगा। जो भी चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारी वीडियो में, ठीक है? फिर मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक आप बने रहिएगा। तो देखिए गाइस, ये मैं क्या भूंज रही हूँ, तो इसमें है सफ़ेद वाली तिली और नारियल, मूंगफली के दाने मैंने पहले ही भूंज के रख ली हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने भूंजा है, अभी ये भून चुका है, तो मैं इसको निकालूंगी। मूंगफली के दाने मैं पहले भूंज ली, वो दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। अब इसको ठंडा होने के लिए निकालेंगे। तो देखिए गाइस, ये मेरी सूजी है, मैंने अकोर के छान के रख ली है, ये देखिए। और ये हमारे जैसे कि देख रहे हैं अब चाशनी है, तो इसको मैंने छाना है। और ये है हमारी नारियल है, तिली है और मूंगफली के दाने हैं, लौंग है, इलायची है, सारा चीज इस पे डला हुआ है। तो देखिएगा, मैं बनाने के लिए जा रही हूँ, इसको मिक्स करूँगी। तो मैं ये सारा सामान मिलाने जा रही हूँ, ये देखिए मिला लूँ इसको।
ये मिल गया। अब मैं इसमें डालूंगी चाशनी। गरम है, आप लोग ये मत समझना कि गरम नहीं है, गरम है। तो ये देखिए गैस, अब ये इसमें और पड़ेगी अभी ये चाशनी। जा गरम हो गया। बने रहिएगा, मैं इसको अच्छे से बना मिला लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो ये मिक्स हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इसको दाब देते हैं जिससे ये ठंडा ना हो जल्दी, क्योंकि ये गरम गरम में ही बनाते हैं ये ऐसे। वैसे तो एक मैंने ट्राई भी किया है, आप लोग भी बनाइएगा गैस ये। वैसे तो आप लोग बनाते ही होंगे, हमारे यहाँ तो सभी लोग सूजी के ही लड्डू खाते हैं। तो हमारे बड़ा वाला बाबू हमारा बहुत पसंद करता है सूजी के लड्डू, तो उन्हीं ने ज़बरदस्ती रो रो के बनवाया है। तो गाइस ये देखिए इस तरीके से ये बन के रेडी हो चुके हैं, और आप लोग भी आइएगा खा लीजिएगा। सभी लोग मकर संक्रांति के बनाएंगे दूसरे प्रकार के लड्डू, तो वो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बन गया, ये बन के हो गए रेडी। और गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, आप मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो कोई नहीं गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।